नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं, मेरे साथ है अचल। आज बात करते हैं उस युद्ध की जिसको 200 से ज्यादा दिन हो गए और अचानक युद्ध के बीच में कवरेज बंद हो गई थी। तो क्या युद्ध बंद हो गया था अचल? सर, युद्ध बंद नहीं हुआ था, ये कह सकते हैं कि जिस स्तर पर युद्ध चल रहा था उसमें थोड़ी सी उसकी रफ्तार कम हो गई थी। ये आपको कैसे पता, आप वहां थे? नहीं, हम वहाँ नहीं थे, लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में हर न्यूज़ को प्रॉपर किया कवर, हमने जितने मीडिया हाउस हैं सब ने हर न्यूज़ दिखाई। ये जो मामला आपका 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, जो आपका रूस और यूक्रेन के बीच में था, जहाँ हमने देखा कि हर शहर में हिसाबियों से अटैक हुआ, बॉम्ब अटैक हुए, बहुत लोगों की मौत हुई, लोग अपना मुँह छुपाने पर मजबूर हो गए थे कि उन्होंने मेट्रो स्टेशन को अपना घर बना लिया कि जिससे वहाँ पर सेफ रहें, उनके ऊपर जो हमला उसके वो होना पड़े। लेकिन अब जो ये मामला आया है, ताज़ा मामला ये आया है कि अभी कीव में जो एक हमला हुआ है, मिसाइल से हमला हुआ है। मैं पूरी आपको डिटेल बताता हूँ। दरअसल पुतिन का बर्थडे था 3 दिन पहले और अचानक यूक्रेन ने हमला कर दिया। यूक्रेन ने उनके क्रीमिया जो पुल था उसको ढहा दिया। ये जो पुल था ये दरअसल दो देशों को जोड़ता था, लेकिन अब जब ये पुल ही ढहा दिया और एक तरह से इसको कहा जाए कि बर्थडे गिफ्ट दे दिया पुतिन को यूक्रेन ने, तो पुतिन कैसे मानने वाला थे? 70 साल के पुतिन हो गए हैं, लेकिन गुस्सा उनमें इतना है कि उन्होंने इसका बदला ले लिया है। यानी कि आज कीव पर दनादन मिसाइलों से हमला कर दिया, 75 मिसाइलों से हमला किया गया। पूरे कीव शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग थी, लेकिन काफ़ी कुछ बर्बाद कर दिया। कई सारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, 8 से ज़्यादा लोग मर गए, 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये वॉर 200 से ज़्यादा दिन हो गए चलते हुए लगातार। बीच में कवरेज शायद इसलिए बंद हो गई क्योंकि मीडिया का इंटरेस्ट लूज़ हो गया, लेकिन अब चूंकि बड़ा हमला हुआ है ऐसे में अब दोबारा इसको कवरेज मिली है। तो छोटे मोटे हमले हो रहे थे वहाँ लगातार, ऐसा नहीं हो रहे थे, बीच में बयानबाजी भी आ रहे थे। इस बीच जेलेंस्की का बयान आया दोस्तों। जेलेंस्की का कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे और ना हमने सरेंडर करेंगे। यानी साफ है कि युद्ध अभी भी चलेगा, आगे चलेगा। क्या होगा अब, क्या होगा अचल, कि क्या कौन जीत रहा है इसमें? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। हर कोई ये क्लेम कर रहा है, रूस भी और यूक्रेन भी, हमने इतने ढहा दिए, हमने इतने। एक्चुअल में असेसमेंट क्या है? क्या रूस के ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं या यूक्रेन के ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं? क्योंकि इस तरह के जो युद्ध होते हैं, जो मुझे मैंने एक जगह पढ़ा था कि इसमें ये सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, इसमें आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, ये इनकी पॉलिसी होती है। कोई भी युद्ध अगर होता है उसमें आम लोगों के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। यहाँ पर सवाल ये नहीं कि कौन सी सेना के कितने लोग मारे जा रहे हैं, बात ये है कि जो भी आप बम अटैक कर रहे हैं, जितनी भी मिसाइल आप दाग रहे हैं, उसमें आम आदमी को बहुत क्षति पहुंच रही है। अब वो आम आदमी ऐसा नहीं किसी एक ही उसका है, वो आपका रूस का भी है और आपका वो यूक्रेन। बहुत सही बात बोली अचल ने, क्योंकि ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां जो लोग हैं वो डर गए हैं। अचानक लोग सो रहे होते हैं और बम या मिसाइल का हमला हो जाता है। आप सोचिए किस तरह के भयानक स्थिति होगी, बच्चे डर गए होंगे, क्या बंकर बना के, जो अचल भी अभी बता रहे थे कि मेट्रो स्टेशन को बंकर बना रखा है। आप सोचिए क्या हालात है वहाँ। लेकिन युद्ध लगातार जारी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि किसकी कितनी सेना जो है इसमें हुई। एक आंकड़ा ये बता रहा है कि करीब करीब 6,000 सैनिक इसमें मारे गए हैं। अब वो दोनों तरफ से हो सकते हैं, कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं जिनमें कुछ महिलाएँ भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। बल्कि कई जगह तो ऐसे हमले किए गए कि बच्चों की भी मौत हो गई। और ऐसे में अब कितनी, एक तरह से कहा जाए हथियारों का इस्तेमाल रूस कर चुका है, कितना यूक्रेन कर चुका है, इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ा है। कई जो देश हैं अब यूक्रेन से उन्होंने बिजनेस करना बंद कर दिया है सिर्फ इस वजह से कि यूक्रेन को सब मना करते रहे, सॉरी रूस को सब मना करते रहे और वो माना नहीं। और ये सर अभी से नहीं हो रहा, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तभी से हम देख रहे थे कि बहुत से देश ऐसे जिन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था, ये कह लीजिए कि उन्होंने रूस पर बैन लगा दिया था, बहुत तरफ से बैन लगा दिया गया था, इससे रूस को भी आर्थिक उसमें बहुत समस्या आई है, बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन वो तो मान नहीं रहा है, फिर भी वो तो अपनी एक तरह से कहा जाए ऐठन में है, बेलारूस से सीधे हमले कर रहा है। अब क्रीमिया का जो पुल उनका ढहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि एक देश जिसकी कोई, एक दूसरी भाषा में कहे कि कोई लेवल ही नहीं है, कोई स्तर ही नहीं है, वो हम पे कैसे हमला कर रहा है? क्या उसको बैकहैंड पर यूएस सपोर्ट कर रहा है या दूसरे और कंट्री सपोर्ट कर रही है ताकि रूस को कमजोर किया जा सके? सर देखिए, ये बात आखिर ठीक है कि रूस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक देश या एक आदमी हमेशा शक्तिशाली रहेगा। इतने टाइम से जो ये चल रहा है, आपने खुद बताया 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 200 दिन में से अगर किसी से आपका युद्ध चल रहा है, युद्ध में बहुत चीजों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बम हो, गोला बारूद, बंदूकें हो, या जितने भी टैंक हो, देखने वाले बहुत टैंक आपका हवा हो गया था, ये हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसकी भी आर्थिक उस पर फर्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि रूस जो है अगर ये हमले कर रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा गोला बारूद हथियार जो वो इस्तेमाल कर रहा है, वो ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन
अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही क्योंकि वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लेकिन उसकी एक जिद है कि यूक्रेन को मिटा देना है, नक्शे से मिटा देना है। अब वो ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो अभी भी जीवित है ये कहा जाए, और आज तो ये खबर भी थी कि उनके दफ्तर के आसपास भी हमले हुए हैं। तो क्या एजेंडा क्या है पुतिन का, क्या जेलेंस्की की हत्या करना एजेंडा है, क्या वहाँ पर जो टेरर फैलाना जो है वो है, या कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना है कि भैया हम तो किसी की बात नहीं मानेंगे, आप जितना मर्जी बोलते रहो, यूएस वोएस हमें तो जो करना है हम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ कितना नुकसान चाहता है कि यूक्रेन, वो चाहता है कि यूक्रेन खुद ही घुटने टेक दे और कह दे जी अब बस करो अब हम हार गए, लेकिन यूक्रेन भी नहीं मान रहा है। तो क्या ये माना जाए कि यूक्रेन को आर्थिक और हथियारों की मदद दूसरे देश कर रहे हैं, तभी वो इतना चौड़े होकर बात कर रहा है? सर देखिए, बात बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पर आपका रूस हारने के लिए वह तैयार ना, आपका हमारा वो तैयार, यूक्रेन भी पूरा पूरा साथ में, अगर युद्ध है तो युद्ध में ये नहीं कि वो कम है या ज्यादा है, वो पूरा जवाब दे रहा है, हर चीज का जवाब दे रहा है। अभी फिलहाल जो पुल उसने उड़ाया है उसका मेन ये था कि अगर ये पुल उड़ जाएगा तो इस पुल को उड़ने के बाद अब देखिए रूस को क्या क्या दिक्कतें आएंगी। एक तो रूस के हिस्से में जो जो शहर आपका जो शहर यूक्रेन के थे जो उसके हिस्से में आ चुके थे वो हाथ से निकलने का डर रहेगा। दूसरी चीज सर, ये पुल पूरा 19 किलोमीटर लंबा पुल था, अरे बताते जो कि दूसरे देश से आपको जोड़ता था। ये बता रहे हैं कि दोनस्तेक, लोहांस्क और डोनासबर्ग के जो इलाके हैं वहाँ जो उसकी अपनी फौज है उसको गोला बारूद नहीं पहुंचा पाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, ये पुल जो टूट गया, इस पुल को टूटने के बाद जो भी रूस के सैनिकों को हेल्प चाहिए होगी, चाहे वो बम चाहिए, हथियार चाहिए, वो वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। ये हो सकता है वहां तक पहुंच ना पाए। तो आपने बताया कि भैया रूस का सपना था, तो मुझे लगता है कहने का ये सपना अधूरा रह जाएगा, या इस सपने को पूरा करने में भी जहाँ इतना समय लग गया, हो सकता है और समय लग सकता है। इस पुल के टूटने से बहुत ज्यादा नुकसान तो, लेकिन पुल टूटना मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। इसका मतलब कुछ और देश लगातार हथियार और लगातार सहायता पहुंचा रहे जेलेंस्की को, यानी यूक्रेन को, ताकि वो जीवित रहे, ताकि वो लड़ते रहे, और वो भी हार नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और अगर ये कोई सोच रहा है कि वो पीछे हट जाएंगे, घुटने टेक देंगे, ऐसा नहीं है। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या मानना है, इस वॉर से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या ये वॉर अभी कंटिन्यू होनी चाहिए? भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या आप लोग समझते हैं कि क्या वाकई, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले खबर जरूर देखी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बात भी की थी दोनों ही राष्ट्रपतियों से, जेलेंस्की से भी बात की है, व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। खैर, रूस तो हमारा अच्छा दोस्त है, और हम एक ये भी आरोप लगता रहा है भारत पर कि वो ज़्यादा इसलिए नहीं घुसा क्योंकि रूस बहुत अच्छा दोस्त है, वो बुरा मान जाएगा अगर हम जेलेंस्की के साथ खड़े होंगे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ ऐसे देश हैं, खासकर यूएसए, जो खुलकर सामने आया, सपोर्ट करा है, साफ साफ कहा है कि हम जेलेंस्की और यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर साथ हैं तो फिर ओपनली युद्ध भी नहीं कर रहे हैं, तो कहने के लिए साथ हैं सिर्फ? क्या लग रहा है कि कहने के लिए सिर्फ यूएस से साथ है? क्योंकि अगर वो कहने के लिए साथ, अगर मान लीजिए यूएस की फोर्सेस आ जाए तो कुड हैव डिफरेंट थिंग। सर देखिए, जब युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने नेटो से हेल्प की गुहार की थी, सबको लगा था कि भाई नेटो हेल्प करेगा, लेकिन हमने क्या देखा उस टाइम पे, नेटो भी पीछे हट गया था, उसने ऑन रिकॉर्ड हेल्प नहीं करी। कह सकते हैं कि आपका अमेरिका ऑफ रिकॉर्ड हेल्प कर रहा हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो अमेरिका ने भी साफ बोल दिया कि हम इसमें अभी कोई मदद नहीं कर सकते, ये आपकी जंग है, आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। नहीं, लेकिन बहुत सारे बयान आए जिसमें अमेरिका ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, रूस को इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद रूस नहीं माना, और वो तो किसी की नहीं सुन रहा, वो तो अपना जो उसको करना है वो कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है, वहाँ के बच्चों को निशाना बना रहा है, वहाँ के बुजुर्गों को निशाना बना रहा है, वहाँ के उन लोगों को निशाना बना रहा है जिनका युद्ध से कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई कसूर तक नहीं, आप सोचिए, मिसाइल गिर रही है, बम गिर रहे हैं घरों पर और लोग मर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो एक तरह से तानाशाही वाली बात हो गई ना कि आप नहीं मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्वियसली अब तो वॉर लगातार चल रही है, तो इसका क्या अंजाम होगा आने वाले दिनों में, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को हम यही एंड करता हूँ, और आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें इस वीडियो पर कि क्या ये दोबारा वॉर शुरू हो गई है, क्या बीच में जो थम गई थी वो मीडिया ने थमा दी थी, या चल रही थी वॉर, क्या इस जो पुल से दोबारा भड़क गई है आग, यही कहेगी इससे और भड़क गया है पूरा मामला और युद्ध और दोबारा से वैसे शुरू हो जाएगा, दोबारा कत्लेआम शुरू हो जाएगा, या फिर ये एक बीच में काइंड ऑफ ये कहा जाए कि आपने हमारा इतना नुकसान कर लीजिए, हमने आपका इतना नुकसान कर दिया। आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, इस पर कमेंट्स कीजिए, और क्या वाकई इससे इकोनॉमी पर, देश की इकोनॉमी पर, देश के अर्थव्यवस्था पर यह कहा जाए, या फिर ये कहा जाए भारत की अर्थव्यवस्था पर, या ऑब्वियसली भाई हम भी बिजनेस करते हैं रशिया से तो उससे, या हम यूक्रेन में जो हम बिजनेस करते हैं वो लोग यहाँ करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू दोस्तों।